आप कैसे हैं? मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं आज बनाने वाली हूँ खोए की गुजिया। क्योंकि होली चल रही है तो ऐसा लगता है कुछ अच्छा नया बनाया जाए, तो गुजिया तो मेन रहते ही है होली पे कि चलो अच्छा लगता है, गुजिया वगैरह हो, कुछ मिठाई वगैरह हो। तो आज मैं गुजिया बनाने का मेरा मन हुआ तो मैंने सोचा कि चलो गुजिया बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये देखो मैंने एक कढ़ाई भी रख ली है और इसमें थोड़ा सा खोया भूनेंगे। मैंने इसमें 200 ग्राम करीब खोया ले लिया है। इसको स्लो स्लो फ्लेम पर अपन इसे भूनेंगे। इसे पहले हल्का सा भूनेंगे, इसे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए ये खोया घर का ही बना हुआ है, ये घर पे 200 ग्राम खोया था, ये घर पे बना लिया था हमने। कितना अच्छा खोया है देखो, इसने पूरा घी छोड़ दिया है। उसका कलर चाहिए अपना खोया। अब क्या है, इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देख सकते हैं आप कलर इसका ब्राउन हो चुका है। अब इसे रखते हैं एक बाउल के अंदर पूरा इसे ठंडा होने के लिए। कम्प्लीटली हमने बाउल के अंदर इसे रख दिया है, अब इसे ठंडा होने देते हैं। अब गुजिया की स्टफिंग और बना के तैयार कर लेते हैं। ये खोया मैंने ये रख दिया था इसे बाउल में, गर्म खोया था जो भून के मैंने इसे रख दिया था, इसको अलग रखा था। अब इसका ये क्या है कम्प्लीट ये है ना पूरा कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, पूरा कम्प्लीट ठंडा हो गया ये। अब इसमें अपन बारीक शक्कर इसमें मिला देते हैं। ये देखिए ये बारीक शक्कर इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ये चिलौजी ऐड कर देते हैं। इसमें पिसा हुआ बादाम ऐड कर देते हैं। इसमें पिसा हुआ काजू ऐड कर देते हैं। बस थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। अगर आप चाहो तो इसमें कसा हुआ नारियल भी ऐड कर सकते हो और इसमें थोड़ा इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहो तो इसके अंदर पिसा हुआ सूखा नारियल भी ऐड कर सकते हैं, बट वो मैंने नहीं किया है, उसका फ्लेवर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है हम लोगों के घर में, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। बस इसकी स्टफिंग अपनी बनके रेडी हो चुकी है। गुजिया बनाने के लिए खोया तो अपन ने भून के रख ही लिया है। अब उसके लिए अपन मैदा मारते हैं। ये मैंने 400 ग्राम मैदा करीब ले ली है। अब इसके अंदर मैं घी ऐड करती हूँ। अब इसके मोमन के लिए मैंने ये घी ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से रफ करते हैं, अगर कम लगेगा तो और मिलाना पड़ सकता है इसके अंदर। मुझे अभी कम है, थोड़ा और मिलाते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छे से रफ करते हैं। गुजिया भी होली पे ज़रूर बनाई जाती है क्योंकि वो खाने में काफ़ी अच्छी भी लगती है, और ज़्यादातर तो गुजिया होली पे दिवाली पे तो अपन सब बनाते ही हैं। बट मेरी मम्मी जी यानी मेरी सासू माँ को तो गुजिया बहुत पसंद है, इसलिए मैं देखो ये बना रही हूँ। ये देखिए अभी अच्छे से ऐसे इसकी ये मुट्ठी बन रही है। मैं इसे कच्चे दूध से मारूंगी, पानी से नहीं लगाऊंगी इसको। इसका डो मैं कच्चे दूध से लगाऊंगी, पानी से नहीं लगाएंगे इसे। ये देखिए अभी इसमें कच्चा दूध ऐड कर रही हूँ। ये
ये देखो इसका सॉफ्ट डो बना के मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे आधे घंटे की रेस्ट के लिए इसको ढक के अपन ढक देते हैं। अब गुजिया को रेस्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, आधे घंटे के लिए हटाते हैं। गुजिया के आटे को रेस्ट करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, अब इसे हटा दिया, इसे ओपन कर दिया है। अब इसे अच्छे से फिर इसका डो एक बार क्लियर करेंगे। अभी तो ये ऐसे ही हो रहा है, अब इसका डो क्लियर करते हैं, चिकना करना पड़ेगा। क्या करें, सारे काम में बहुत मेहनत होती है भाई, बट घर का बना हुआ अच्छा भी तो लगता है। ये कितना स्मूथ और अच्छा स्टार्ट कर, सॉफ्ट हो चुका है ये। ये गुजिया बनाने के लिए अपन को जैसा डो चाहिए था वैसे ही बन के रेडी हो चुका है ये। अब इसकी गुजिया बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से सारी लोई बना के रख ली है। अब मैं इसको बेलूंगी। मैं इसको जे इसका गुजिया का जो साँचा होता है मैं उससे नहीं बना रही हूँ, मैं हाथ से ही बनाऊंगी इसे। ले ली है, अब इसे पूरा चकले के बराबर बना लूंगी इसे। चलो देखते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छा बड़ा सा बेल लिया है। अब इसे कटोरी की सहायता से मैं इसे बिल्कुल गोल उसमें निकाल लूंगी। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसे पूरा अलग से हटा के एक बार गोल गोल मैंने कर लिया है इसे। अब इसके अंदर मैं इसकी स्टफिंग भरती हूँ, थोड़ा सा पानी लगा के, जिससे कि ये निकलेगा नहीं, नहीं तो ये निकल जाता है। इसको अब ऐसा फोल्ड कर लेते हैं। अब इसको फॉक की सहायता से इसको इस तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से बन के रेडी हो रही है। इस तरीके से बनाएंगे तो अच्छी चिपक भी जाती है और अच्छे से बन भी जाती है। ये निकले इसी तरह से सारी बना के रेडी कर लेंगे। अब इसे 5 मिनट के लिए रखेंगे, एकदम इसको तलने के लिए नहीं रखेंगे वरना ये बिखर जाती है तेल में जाकर। ये मैंने ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए, ये ऑयल गर्म हो रहा है। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये धीरे 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 पकेगी, सिकती रहेगी धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे सिकती है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुजिया अपनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये अपनी फुल गुजिया बनके, ये देखो ये कितनी अच्छी सी बनके रेडी हो गई है, मस्त वाली। देखिए इतनी अच्छी अंदर से इसकी मावा भरी हुई है। ये मैंने एक गुजिया को तोड़ के रख रखा था, ये अभी इसको तोड़ा है मैं, आप ये देख सकते हैं कितना अच्छे से लगे नहीं, ये तोड़ लिया है मैंने और ये अपनी पूरी बनके रेडी हो चुकी है। देखिए पूरे अच्छे से बन गई है ये पूरी अपनी बन गई है अच्छे से। चलो ठीक है भाई, बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बाय।